नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कब प्रेग्नेंट, कहीं कौन सी सही उम्र है प्रेगनेंसी करने की। तो आजकल कहीं लड़कियां आके हमको पूछती है, और आज के ज़माने के हिसाब से जो लड़कियां हैं बहुत कैरियर ओरिएंटेड भी हो गई है, ज़्यादा पढ़ाई भी कर रही है, तो उसकी वजह से, पढ़ाई की वजह से उनकी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है। बाय द टाइम वो कैरियर सेट करते हैं तब तक उनकी उम्र 29-30 हो जाती है, शादी करते हैं उसके बाद बच्चे का सोचते हैं। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सही उम्र 25 है। तो प्रैक्टिकली जैसे बरसों पहले कैसा होता था कि अपनी दादी है, अपनी नानी है, जो 25 इयर्स तक उनकी प्रेगनेंसी या बच्चे का जो रहता है, 2 या 3 बच्चे, या तब तो मोर देन 3 भी करते थे, तो वो फैमिली उनकी कंप्लीट हो जाती थी। और अभी बिकॉज ऑफ दिस कैरियर ओरिएंटेड एंड अपना जो ज़्यादा स्टडी करते हैं उसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। मगर प्रैक्टिकली एक बात की जाए तो एक लड़की जब अपने माँ के गर्भ में होती है तभी जो ओवरीज में एग्स रहते हैं वो उसका पूरा स्टॉक ऑलरेडी होता है, और जब वो लड़की बड़ी होती है और उसको जब मेंसेस चालू हो जाता है तो हर मंथ में वो एग में से, वो पूरे एग के स्टॉक में से एक एक एग मैच्योर होते हैं और वो बच्चे करने की काबिल हो जाते हैं। मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो जो एग का स्टॉक है, एग का जो टोटल अमाउंट है वो कम होते जाता है। तो जैसे 25 है, 25 के बाद 30 के नज़दीक हो या 30 प्लस के नज़दीक हो तो उनकी जो जो मात्रा है, एग की मात्रा है, वो कम होती है, तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरा एक होता है कि जैसे आप 30 प्लस हो जाते हैं तो आपका जो एग की क्वालिटी होती है वो क्वालिटी भी डाउन होती जाती है, तो आपको चांसेस रहते हैं उन पेशेंटों को कि एबॉर्शंस की परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा एक कॉम्प्लिकेशंस होता है कि वो एग फर्टिलाइज होता है, उसकी वजह से आपके जो बच्चे की क्वालिटी प्लस आपके जो जेनेटिकल एनामोलीज वाले जो बच्चे होते हैं उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना हम लेट करेंगे प्रेगनेंसी तो उतने कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते हैं। मगर अब साइंस इतना बढ़ गया है, हम डॉक्टर्स लोग काफ़ी अलग अलग मेडिसिन आती है, अलग अलग डिफरेंट आपकी प्रोसीजर्स आती है, जैसे IVF है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो उसकी वजह से हम प्रेगनेंसी आपको कर सकते हैं, प्रेगनेंसी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मगर सही टाइम पर और जितना हो सके उतना नेचुरली आप प्रेग्नेंट होंगे तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप अपनी जो स्टडी की कैरियर की जितना केयर कर रहे हैं, या आपके कहते हैं कि हमको एक जॉब अच्छी करनी है, या आपको एक अच्छे पोजीशन में आपको लाना है जिसको प्रोफेशनल कैरियर आप कहते हैं, तो जिस हिसाब से आपकी स्टडी का है, प्रोफेशनल कैरियर का है, तो वैसे ही आपको अपने ऑब्स्टेट्रिक कैरियर, मतलब अपनी लाइफ के, अपने बच्चे के कैरियर के बारे में भी उतना सोचना है और वैसे आपको प्लान करना है, ताकि आप एक अच्छा नेचुरल प्रेगनेंसी सको विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। और एक ऐसा रहता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आपकी प्रेगनेंसी रहे भी, जैसे डॉक्टर की हेल्प से, या कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी से, या ICSI प्रेगनेंसी, या देयर लॉट्स ऑफ अदर प्रोसीजर्स रहते हैं, तो आप प्रेग्नेंट तो हो जाएंगे, मगर प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स आपको कंटिन्यू करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आपको डायबिटीज, आपको प्रेशर की इफ़ेक्ट्स, आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको परेशान कर सकती है, और आपकी वो प्रेगनेंसी स्मूथ नहीं चलेगी। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को भी प्लान करो जैसे आप अपनी प्रोफेशनल लेवल का जो प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी स्टडी का प्लान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इसको भी एक अच्छे से प्लान करो, तो आपको एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।